अजीज खान साहब, किसी भी धार्मिक नगरी का अगर विकास होता है, अगर उसका जीर्णोद्धार होता है, तो इसमें आप ये भी तो देखिए कि आसपास के इलाकों का भी विकास हो रहा है। इसमें आप ये भी तो देखिए कि लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो रहा है। इसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से जोड़कर क्यों देखा जाता है? मुसलमान का देखिए प्राची जी, आपने कहा कि विकास हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, या आप भी हो सकता कोशिश करें तो समझ जाए कि कितना बड़ा रोजगार का सृजन हो रहा है, विकास किस लेवल पे हो रहा है। आज पूरे देश में तराही तराही मची हुई है, बेरोजगार सड़कों पर है, महंगाई चरम पर है। किन किन चीजों की महंगाई का जिक्र मैं करूं? आज 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, 2 में होने वाला है, आज हालात क्या है वहां पे? बीजेपी पूरी तरह से सरेंडर कर गई है, तमाम अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए क्योंकि उसको अंदाजा लग गया है कि जो उसको मौका मिला पिछले 10 साल का, उस 10 साल में उसने क्या किया? सिर्फ धर्म के आड़ में उसने अपने नाकामियों को छिपाया है। धार्मिक आस्था अच्छी बात है, धर्म को पूरी तरह से मानना चाहिए, पूजा पाठ बहुत अनिवार्य है, हर चीज होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस देश का विकास भी होना चाहिए, क्योंकि वही युवाओं ने, वही बेरोजगारों ने बढ़ोत ही उम्मीद के साथ बीजेपी की सरकार को बनाई थी। आज बीजेपी क्या है? बैकफुट पर है। सिर्फ धर्म के आड़ में आप बेरोजगारों को चौराहे पर ले आएंगे, बेरोजगारी चरम पर कर देंगे? नहीं, सच्चाई यह है कि आप आज फेल हो गए हैं। आज 5 राज्यों में जिस तरह हाहाकार मचा हुआ है, बीजेपी बैकफुट पर है। ठीक, आज वही स्थिति 2024 में आने। प्रेम शुक्ला जी, इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपने 5 साल कुछ काम नहीं किया, आपने अपनी सरकारों में कुछ काम नहीं किया, आप धर्म की आड़ में छिपने की कोशिश करते रहे, और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर आप चले जाते हैं मंदिर की शरण में, भगवान की शरण में। प्राची जी, धर्म की आड़ उनको लेनी पड़ती है, जो हलाला छाप जो है मौलवियों के पीछे छिपने का प्रयास करते हैं, हलाला का प्रचार करने वालों को धर्म की आड़ में छिपना पड़ता है। धर्म तो हमारे लिए ध्वजा है, धर्म ध्वजा हम फहरा रहे हैं, और काशी विश्वनाथ के विकास से अगर लाखों लोगों का रोजगार सृजन हो रहा है तो पीड़ा किसको हो रही है? और रोजगार कह रहे हैं, बेरोजगारी बड़ी, 1.5 करोड़ लोगों को अगर EPFO में रजिस्टर होते, नहीं 1.5 करोड़ लोगों को वर्ष 2022-23 में अगर रोजगार का संगठित क्षेत्र में अगर रोजगार सृजन होता है, तो ये किस बात का प्रमाण है कि रोजगार बढ़ा है? अकेले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अपना 5वें वर्ष के कार्यकाल में 2019 में संसद में खड़े होकर किस सेक्टर में कितना रोजगार का सृजन हुआ इसका हिसाब दिया था। आज भी जो है सबसे अधिक जो है बेरोजगारी राजस्थान में है, जहां कांग्रेस की सरकार थी, सबसे अधिक महंगाई वहां है, सबसे अधिक महिलाओं का उत्पीड़न वहां है। और उसके बाद जो है श्रीमान अजीज खान कह रहे हैं कि रोजगार का सृजन, सड़क का निर्माण सबसे अधिक तेज गति से होने से जो है रोजगार का निर्माण होता है कि नहीं होता है, 11.5 करोड़ शौचालय बन जाने से रोजगार का सृजन होता है कि नहीं होता, 13.5 करोड़ लोगों के घरों में जो है नल से जल पहुंचता, तो रोजगार का सृजन बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा अजीज खान जी, उनके पास तो लंबी लिस्ट है, प्रेम शुक्ला जी के पास लंबी लिस्ट है।